First blood. तो अगर आप लोग M87 जिसको हम प्यार से बोलते हैं डुअल ब्लेड शॉटगन का यूज़ करते हैं उस टाइम पर अगर आप लोग वन टैप हिट पर हेडशॉट नहीं पड़ते तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ओपी ट्रिक बताने वाला हूं या फिर ऐसी सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिनका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोगों के डुअल ब्लेड शॉटगन से ओनली ऑन रेड नंबर पड़ने वाले हैं। जितने भी लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हो मेरे तुम सभी से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे ना, आज से पहले आप लोगों ने कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। तो चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आज की इस वीडियो में 200 डायमंड का गवे और चलेंगे। आप में से दो रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से 100-100 करके डायमंड है वो दूंगा। तो गाइस अगर आप लोग गवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आज की इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी सेटिंग का मैसेज डाल देना है। आज की इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो तुम सभी से शुरू में एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पर 577,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिया और इनको 6 लाख होने में सिर्फ और सिर्फ 23,000 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं। तो मेरे भाई अगर आप में से एक एक बंदा भी सपोर्ट करेगा, एक बंदा भी सब्सक्राइब करेगा तो 6 लाख फैमिली हमारी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। देखो अगर तुमको मेहनत करते हो और तुमको वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता तो थोड़ा सा तुमको भी बुरा लगता था यार, मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोगों की तरफ से बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए। तो जितने भी बंदे आज की इस वीडियो को देख रहे हो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना, क्योंकि यार देखो ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। तो चलो गाइस अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग डुअल ब्लेड शॉटगन का यूज करते हो उस टाइम पर अगर आप लोग वन टैप हिट नहीं पड़ते तो आप लोग ऐसी कौन सी ट्रिक है जो कि फॉलो करती है। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। तो चलो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की ट्रिक के बारे में बात। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो की क्लिप लगाई, इस क्लिप को मैंने पूरा का पूरा स्लो मोशन में कर दिया जिससे गाइस आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो देखो अगर आप लोग फ्री फायर के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों के करेक्टर की साइज और सामने वाला जो एनिमी करेक्टर होता है उसकी साइज सेम होती है, चाहे आप लोग कोई सा भी करेक्टर यूज कर रहे हो। जैसे मान चलो आप लोग आलो करेक्टर लेके खेल रहे हो और सामने वाला बंदे के पास क्रोनो करेक्टर या फिर बुको करेक्टर या फिर एडम करेक्टर कोई सा भी करेक्टर हो, सभी करेक्टर की साइज फ्री फायर के अंदर सेम होती है। तो गाइस आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी, आप लोगों का जो एम होता है वो हमेशा आपके कंधे के पास होना चाहिए। अगर आप लोगों का एम आपके कंधे के पास है तो सिंपल सी बात है कि वो भी सामने वाले एनिमी कंधे के पास ही जाएगा। उस टाइम पर अगर आप हल्का सा ड्रैग करोगे तो आप लोगों का इजी तरीके से हेडशॉट पड़ जाएगा। चलो यहाँ पर मैं आपको इसे एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ये ट्रिक वर्क किस तरीके से करेगी। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैंने ऊपर से बंदे के ऊपर जंप किया। अब यहाँ पर तुम एक बात देखना कि मेरा जो एम है वो मेरा हमेशा कंधे के पास ही रहता है। अगर आप लोग भी अपने एम को कंधे के पास रखते हो देन उसके बाद हल्का सा ऊपर की तरफ आप लोगों को ड्रैग करना है, आपका इजी पीजी हेडशॉट पड़ जाएगा। ये तो आप लोगों की पहली ट्रिक और यहाँ पर मैंने आपको इसको पूरा पूरा एक्सप्लेन करके समझा भी दिया। अभी हम बात करने वाले हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वन टैप शॉट ट्रिक के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलूं पहले उसको सुनना है देन उसके बाद आप लोगों को गेम में जाके ट्राई करना है। यहाँ पर मैं अभी आपको जो ट्रिक नंबर 2 बता रहा हूँ अगर आप लोग उसे अच्छे तरीके से फॉलो करते तो आप लोगों के 99% चांस बढ़ जाते हैं वन टैप शॉट मारने के। तो यहाँ पर इस क्लिप को मैंने पूरा का पूरा स्लो मोशन में कर दिया जैसे आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। देखो अगर आप लोग किसी भी बंदे को M87 से या फिर किसी भी गन से वन टैप शॉट मारते हो उस टाइम पे आप लोगों को हमेशा एक ट्रिक फॉलो करनी की सबसे पहले आप लोगों को एक जंप लेना। जंप लेने के बाद आप लोगों के पैर जैसी जमीन को टच करते थे उसके बाद आप लोगों को सामने वाले बंदे पे फायर देना है। चलो एक बार मैं आपको वापस समझाता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को जैसे एनिमी दिखता है आप लोगों को अपने हाथ में गन लेनी है। गन लेने के बाद आप लोगों को सबसे पहले एक सुपर जंप लेना। जंप लेने के बाद यहाँ पर जैसे आप लोगों के पैर जमीन को टच करते देन उसके बाद आप लोगों को सामने वाले बंदे के डायरेक्शन के हिसाब से फायर दे देना। इसके साथ ही आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी की अगर आपका एनिमी राइट साइड की तरफ रन कर रहा है तो उस टाइम पे आप लोगों को अपना जो फायर बटन होता है उसे राइट साइड की तरफ खींच देना। अगर आप लोगों का एनिमी लेफ्ट साइड की तरफ रन कर रहा है तो उस टाइम पे आप लोगों को अपना जो फायर वाला बटन होता है उसे लेफ्ट साइड की तरफ खींच देना। अगर आप लोगों का एनिमी सीधा सीधा रश कर रहा है तो उस टाइम पे आप लोगों को ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। तो चलो अभी हम आकर तीसरे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वन टैप शॉट ट्रिक के बारे में बात। लेकिन भाई उससे पहले मेरे तुम सभी से वापस से एक रिक्वेस्ट है कि यार देखो 6 लाख फैमिली के हम बहुत ज्यादा करीब हैं तो यार अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। और अगर आप में से जो जो बंदा आज न्यू सब्सक्राइब करे कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिख के कमेंट याद से कर देना। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर की ट्रिक है वो है आप लोगों की एम लॉक ट्रिक। अब देखो आप में से बहुत सारे बंदे इस बात को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमको अपना एम रेड रखना चाहिए या फिर हमको अपना एम वाइट रखना चाहिए जिससे हमारे हेडशॉट नेक्स्ट लेवल के पड़े। तो भाई अभी मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, उन दोनों चीजों को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। तो भाई देखो जब भी आप लोग डुअल ब्लेड शॉटगन का यूज करो तो उस टाइम पे आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी है कि आप लोगों का जो एम होता है वो हमेशा बाइट होना चाहिए। अगर आप लोग अपने एम को बाइट रखते हो तो उस टाइम पे इजी पीजी हेडशॉट पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अपने एम को रेड करके रखते हो तो उस टाइम पे आप लोगों का जो एम होता है वो सामने वाले बंदे पे चिपक जाता है। भाई आप में से बहुत सारे बंदे इस बात को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमको अपना एम रेड कब रखना है और बाइट कब रखना है। तो मेरे देखो अगर आप लोग शॉर्ट रेंज की फाइट लेते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को हमेशा अपना एम बाइट रखना है और अगर आप लोग लॉन्ग रेंज
की फाइट लेते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को हमेशा अपना एम रेड रखना है। ये बात तुम सभी को पता है कि फ्री फायर के अंदर दो गोलबर शॉटगन हमेशा शॉर्ट रेंज के लिए ही यूज की जाती है, तो आप लोगों को हमेशा शॉटगन का यूज करते टाइम अपना जो एम होता है उसे बाइट ही रखना है। आज की इस वीडियो में मुझे बस आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब की जरूरत है, तो हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना। अगर आप लोग फ्री में 2000 डायमंड जीतना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी है, उसे जाके पूरा देख लेना, आप लोग भी फ्री में 2000 डायमंड जीत सकते हो। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।